ये सुरेश चौहान के तो इस साजिश का एक हिस्सा है। जो जो टीवी चल रहा है, आई स्टैंड विद मोनू मानी सर और ये सब जो कर रहे हैं, वो तो क्रिमिनल मीडिया है ना, जो इसको डिफेंस कर रहे हैं या इसको एक हीरो बना के पेश कर रहे हैं, वो इस साजिश में हिंदू राष्ट्र बनाने की और मॉब लिंचिंग की साजिशों में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इन सबके रोल, सुरेश चौहान के का रोल मिलेगा इसमें। यही तो शपथ दिला रहा था ना, मरेंगे और मारेंगे की, ये सुरेश चौहान के ही दिलवा रहे थे ना शपथ, दिलवा रहे थे ना, तो ये वही तो हो रहा है। हमारी जान को भी खतरा है, सब कुछ, सब हमले हो रहे हैं, अब तो दोनों तरफ से खतरा है, तो दोनों तो अब तो खुल के सामने आ गए ना, जो दलाल थे वो भी और जो आरएसएस के डायरेक्ट लोग हैं वो भी, अब ये दोनों मिलकर हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं, तो हम डर रहे हैं क्या? पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार तस्वीर जो है वो नासिर और जुनेद की सामने आई, नेशनल मीडिया से लेकर के इंटरनेशनल मीडिया तक हर कोई बजरंग दल की भूमिका पर सवाल उठा रहा है और एक नाम का जो सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वो है मोनू मानेसर। और मोनू मानेसर के लिए हमारा नेशनल मीडिया ये चलाता हुआ दिखाई दे रहा है कि आई स्टैंड विद मोनू मानेसर। जिनके साथ में घटना घटी उन लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही और यह बताया जा रहा है कि गौर रक्षक जो है, अगर इस बार मोनू मानेसर फंस गया तो फिर कोई गौर रक्षक आगे नहीं आ पाएगा। किस तरीके से केस की गुत्थी को उलझाने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा, मीडिया द्वारा की जा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक के बाद एक लाशें जो हैं वो बिछती जा रही हैं पर कोई ठोस कदम नहीं आते, और जब हथियारे बाहर आते हैं तो कोई ना कोई मिठाई खिलाता हुआ, माला पहनाता हुआ दिखाई देता है। देखिए, इसमें मैं बहुत दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश का हिस्सा है, जिसमें आरएसएस के ये एक तरह से सब पिट्ठू हैं, आरएसएस बैक्ड हैं, मनुवादी मानसिकता के बैक्ड हैं, जो भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है। ये वो उसी साजिश का हिस्सा है। अब इसमें ऑब्वियसली जब तक पुलिस के अधिकारी, जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, जो मनुवाद को मानते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो इन लोगों की मदद नहीं करेंगे तो क्या ये बुजदिल ऐसी हिम्मत कर सकते हैं इस तरह के खुलेआम ये मारपीट की बातें करना, बंदूकें लेके घूमना, गोली चलाना, इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनको पता है कि हमारे पीछे पूरा जो प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो हैं, हाईएस्ट लेवल से आरएसएस और बीजेपी के लोग इनसे करवा ही रहे हैं, मतलब ये तो आप समझ लीजिए सिर्फ फुट सोल्जर। अब नेशनल, ये जो मीडिया की बात कर रहे हैं, आई स्टैंड विद मोनू मानेसर और ये सब जो कर रहे हैं, वो तो क्रिमिनल मीडिया है ना, वो उस साजिश का हिस्सा है। फिर भी ये लोग तो वो हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं, जो जो हरे रंग के सांप है ना, घास में जो हरे रंग के सांप होते हैं, उनसे ज्यादा होशियार रहना है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनुवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, मनुस्मृति को सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को बुजदिल बना रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की घटनाओं में भाग के खुद पहुंचते हैं, परिवार को किसी ना किसी तरीके से अपनी छवि दिखा के कि हम बहुत बड़े शरीफ लोग हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मौलाना हैं और हम इतनी बड़ी तंजीम से आते हैं, ये कहकर उनको भोली भाले लोगों को जो उस वक्त विक्टिम होते हैं उनके परिवार को बहकाते हैं और उनको अपने एक तरह से जाल में फंसाते हैं, सम्मोहन जाल में, और फिर उनका केस, हर एक केस खराब करते हैं। फॉलो अप एक महीने के बाद आप देख रहे हैं कितनी मॉब लिंचिंग हुई। मैं सभी तंजीमों से, सभी ईमानदार लोगों से ये गुजारिश करता हूं, आप जो केस आप लें उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं, उसके लिए फिर बहुत मेहनत लगती है। ये तो जो आज हफ्ता 10 दिन की या 15 दिन की पब्लिसिटी लेते हैं, वो तो इस चीज को, मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉइट करके अपना फायदे के लिए इस मुद्दे को, किसी भी मुद्दे को उठाते हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या कुछ भी हो। असली लोग वो हैं जो अगर कोई केस ले तो उसको उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम करें। अगर ऐसा कोई नहीं करता तो वो उस इशू का भी और पूरी कम्युनिटी का भी और देश का भी और सभी SC ST OBC और माइनॉरिटीज का नुकसान करता है, वो हरे रंग का सांप है। तंजीमों का जिक्र सर आपने इसमें कर दिया है, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा क्योंकि ये घटना घटी है, अब लगातार तस्वीरें कल से सामने आ गई कि आज फला नेता जो है वहां पहुंच रहा है, आज दूसरे नेता पहुंच रहे हैं, आज तंजीम, आज सबसे बड़ी मुसलमानों की तंजीम वहां पहुंची, अपने पत्रकारों को बुलाया, 10-5 प्रिंट मीडिया में छपा दिया कि इनका केस लड़ेगी।
पर केस के पीछे कोई सॉलिडिटी क्यों नहीं होती, कोई ठोस इंसाफ क्यों नहीं होता, और ऐसा क्यों नहीं देखा जाता कि आगे जो घटना ऐसी घट रही है उससे सीख लिया जाए, लोग सबक ले ताकि ऐसी घटनाएं ना घटे। कहां लूप पॉइंट रह जाता है केसेस में ज्यादातर? फॉलो अप में, क्योंकि ये तो टूरिज्म करने जा रहे हैं ना, अपना फायदा उठाने जा रहे हैं, ये विक्टिम टूरिज्म होता है ना, वो है। अब ये विक्टिम्स के फैमिली पे जाके ये सब, और सामने वाले लोगों से मिले हुए हैं कि हम इनका केस अपने वकीलों को दिलवा देंगे, अपने आप ले लेंगे और फिर हम इसमें कुछ करेंगे। हम जो काम करते हैं, आप कोई भी हो, संगम बिहार की बच्ची हो या फैसल एक लड़का था जो बांगरमऊ में था, और दूसरे जो यहाँ ये रोहिणी में एक मर्डर हुए थे, एक मर्डर हुआ था और एक बच्चा घायल हुआ था, वो हम आज तक उसको फॉलो अप कर रहे हैं, अदालतों में जाते हैं, उसकी उनके गवाहों के साथ मजबूती से खड़े हैं, उन जो मुलजिम थे वो जो उन पे दबाव डालते हैं वो सब हमारा ऑफिस उसको मैनेज करता है। हमने गिनवाए एक अभी केसेस, ऐसे हम बहुत सारे केसेस कर रहे हैं, तो उससे डर पैदा होता है। तो उससे जो आतंकवादी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके मन में डर पैदा होता है कि हाँ ये अगर हमने काम किया तो हमारे जो संगठन वाले हैं, आरएसएस हैं, बजरंग दल हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं, ये हमें बचा नहीं पाएंगे। अगर हमने एक अपराध किया, अगर हमने एक मर्डर किया, मॉब लिंचिंग की, तो हम फांसी तक चढ़ने के कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि इन लोगों को बता दिया जाता है कि ये हमारे जो जो मुस्लिम संगठन है या जो शेड्यूल कास्ट के भी संगठन है या शेड्यूल ट्राइब के संगठन है, ये सब हमारी जेब में है, ये लोग आएंगे तो ये समझ के आओ कि अब हमारा काम बन गया। वरना फिर वही बात है, सबूत के साथ बात करनी चाहिए। इन लोगों ने कितने केस में, ज्ञानदेव आहूजा हो गया, कोई केस उठा के देख लीजिए, पहलू खान हो गया, कितने लोगों को सजा कराई, कितने लोगों को फांसी चढ़वाया, जो पूरी दुनिया के सामने वीडियो में जो मॉब लिंचिंग नजर आ रही है उनमें कितने केसेस में इन तंजीमों ने फांसी चढ़वाई है और किन कितने पैरवियां की आज तक उन केसेस। ये तो ये है कि अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन का एकदम टीवी पे आने का एक मौका है, प्रेस में आने का मौका है, अपने आप को अपनी कम्युनिटी का लीडर एस्टैब्लिश करने का एक मौका है। उसके बाद सिर्फ इतना रह जाता है कि 7-8 नाम रट रखे हैं सभी लोगों ने, जब भी कोई मॉब लिंचिंग नहीं होती है वो उसमें उनके नाम गिरा के एक गुहार लगाते हैं प्रधानमंत्री से, या एक अपनी जो वो कहते हैं ना, एक विलाप करते हैं कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है। अरे भैया, तो पूरी दुनिया देख रही है ऐसे हो रहा है, तुम वापस क्या संविधान और कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हो? किस बड़ी तंजीम ने जो लाखों अभी जो पहुंच गए ना वापस, आप क्या वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ? क्या वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे आरएसएस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ या प्रधानमंत्री जी के खिलाफ या होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के खिलाफ, जिनके इशारे पर ये सब काम हो रहे हैं? हम एक एक केस टूथ एंड नेल दिल्ली दंगों के लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे? हमारी जान को भी खतरा है, सब कुछ, सब हमले हो रहे हैं, अब तो दोनों तरफ से खतरा है, तो दोनों तो अब तो खुलकर सामने आ गए ना, जो दलाल थे वो भी और जो आरएसएस के डायरेक्ट लोग हैं वो भी, अब ये दोनों मिलकर हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं, तो हम डर रहे हैं क्या? नहीं डर रहे, क्योंकि सर इस केस में मोनू मानेसर का नाम सबसे ज्यादा सामने आया है, क्योंकि मोनू मानेसर अपने ट्विटर हैंडल पर ये दावा करता है एक सीसीटीवी फुटेज लीक करके कि 14 से 15 तारीख तक वो गुरुग्राम के एक होटल में था। वहीं एक सुदर्शन न्यूज चैनल है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उबलता है, उनके पत्रकार एक ट्वीट को साझा करते हैं और ये दावा करते हैं कि 15 तारीख को मोनू मानेसर अपने घर पे था। किस तरीके से देखते हैं एक ही बंदा दो जगह पर, ऐसे केसेस में लूप पॉइंट कहां रह जाते हैं जो सॉलिड तरीके से तमाम चीजें सामने नहीं आ पाती? फिर आप बात ही नहीं समझ पा रहे, ये सुरेश चौहान के तो इस साजिश का एक हिस्सा है, जो जो टीवी चल रहा है आप समझ लीजिए, जो इसको डिफेंस कर रहे हैं या इसको एक हीरो बना के पेश कर रहे हैं, वो इस साजिश में हिंदू राष्ट्र बनाने की और मॉब लिंचिंग की साजिशों में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इन सबके रोल, सुरेश चौहान के का रोल मिलेगा इसमें। यही तो शपथ दिला रहा था ना मरेंगे और मारेंगे की, ये सुरेश चौहान के ही दिलवा रहे थे ना शपथ, दिलवा रहे थे ना, तो ये वही तो हो रहा है, तो यही तो इनके कार्यकर्ता हैं, यही तो एक जो इकोसिस्टम जो मोदी जी बात करते हैं, दरअसल ये वो इकोसिस्टम है जो टेररिज्म का, आतंकवाद का इकोसिस्टम है, जो मनुवाद के टेररिज्म का इकोसिस्टम है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काटने के लिए पैसे ऑफर करता है, और इस तरह के बहुत सारे लोग, जो भारत का संविधान जलाता है, जो मनुस्मृति लागू कराने के लिए खुले आम बात करता है, जो मनु के फेवर में जो दलाल हैं
अलग अलग कम्युनिटीज के, मुस्लिम कम्युनिटी के या दूसरे कम्युनिटी के भी दलाल है, उनसे मनु का सपोर्ट कराता है, मनुस्मृति का सपोर्ट कराता है। तो ये तो एक इकोसिस्टम है ना, ये सब मुलजिम है इन सारे केसेस में, ये कोई रैंडमली या अपने आप ये केसेस नहीं हो रहा, ये एक साजिश के तहत हो रहा है और एक नहीं उसके उसके सैकड़ों एग्जाम्पल्स आपको। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी जय भीम, जहां एक वकील एक को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देता है। अपनी खासतौर पर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो ऐसा मर्द मुजाहिद कोई वकील क्यों नहीं है जो इस तरीके से केसेस में आके आप सबके फाइट कर सके। जय भीम के अंदर तो एक फिल्म थी, फिल्म के अंदर फिल्मी हीरो होते हैं, जो जमीन पे जो लोग काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। शाहिद आजमी का मर्डर हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन उस तरीके से कम्युनिटी उनको सपोर्ट नहीं करती, जो ड्रामा नहीं करते उनको कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती। ऐसे बहुत सारे वकील भी हैं, ऐसे इन्हीं तंजीमों में जमीयत उलमा हिंद में एक से बढ़कर एक ईमानदार आलिम मौजूद है, उसको कोई जानता नहीं, बहादुर ईमान वाला। उसी तरीके से एक से बढ़कर एक वकील शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में और दूसरी सिख कम्युनिटी में और ओबीसी कम्युनिटीज में एक से बढ़कर एक बहादुर वकील और बहुत ईमानदार वकील मौजूद हैं, लेकिन उनकी कहानी कोई जानता नहीं है। उनके ऊपर जय भीम या शाहिद फिल्में नहीं बनी, शाहिद की तो फिर भी एक फिल्म बन गई, अगर शाहिद ने कुर्बानी दी बनी, जय भीम वाले वकील ने कुर्बानी दी बनी, हालांकि उसको फिर जज बना दिया गया था, ये एक अलग कहानी है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन उनको तोड़ लिया गया फिर उनको जज बना दिया। तो वो सारा जो जज बना दिया जाएगा उसका मतलब समझ जाना चाहिए। मैं हर एक का क्रिटिसिज्म करता हूं तो बुरा भी लगता है, लेकिन मैं लॉजिकली बात करता हूं, जो इस तरीके का काम करेगा उसको जज कभी नहीं बनाएगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें हैं, लोग मौजूद हैं, हीरोज मौजूद हैं, सब कम्युनिटीज में मौजूद हैं, लेकिन हीरोज को रिकग्निशन नहीं मिलती क्योंकि वो अपनी पब्लिसिटी नहीं करते। कुछ लोगों को शायद मिल जाती है थोड़ी बहुत पब्लिसिटी, लेकिन उनकी जान के पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं। एडवोकेट महमूद फराजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस केस की हर एक बारीकी से आप लोगों के सामने राय को रखा है।